नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहिन में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु एस्ट्रोन्यूमोलॉजी और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के ट्रेंड के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग स्कार्फ और कैप पहनते हैं, लेकिन क्या ये हमारी किस्मत को बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है? क्या ये हमारे ज्योतिष के साथ भी लिंक करता है? चलिए हम आज पंडित जी से जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न नेहा, और उतना ही अच्छा जवाब देने की चेष्टा भी करूँगा मैं जी। सर्दियों का समय है, लोग स्कार्फ भी पहनते हैं, और सुबह सुबह आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए भारी बैग कंधों पे लटकाए हुए स्कार्फ पहनकर छोटी छोटी बच्चियाँ निकलती हैं। लड़के भी कैप पहनकर मंकी कैप पहन लेते हैं जो उनके पूरे चेहरे को ढक भी लेती है। प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपने भी देखा होगा अगर आपने यूज़ किया है जी, अगर कैप या स्कार्फ, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं जी। ये एक नॉर्मल रीज़न मैंने देखा है। कुछ वैसे तो मॉडर्न ज़माने में कुछ लड़कियां, जो लड़के हैं, वो इसी रीज़न से नहीं पहनते हैं क्योंकि बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है जी। उसके पीछे आधार समझने की कोशिश करी कि बाल क्यों झड़ते हैं जी। देखिए, ज्योतिष क्या है, एक बहुत रोचक सब्जेक्ट है जो हर चीज़ का कोरिलेशनशिप पैदा करता है। हम वूल बॉडी पे जब भी पहनेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जन्म होगा। आप कभी स्वेटर उतारते हैं घर जाके जी, तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं जी। बिल्कुल, वो चिंगारियां आपके कपड़ों पर भी चिढ़ जाती हैं, आपके बाल तक खड़े हो जाते हैं। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि साक्षात राहु देव को वेयर करते हैं हम जी। देखिए क्या है और कैसे है, उसके पीछे एक रीज़न है। हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग होती है। भेड़ की जो बाल होते हैं जिससे स्वेटर का जन्म होता है, आजकल सिंथेटिक भी बनने लग गया है जी, वो बाल हमारी तरह ही बाल होते हैं भेड़ में, बकरियों में, और उनकी जब बालों की कटाई होती है जहाँ से बाल निकलते हैं, तो बाल अपने साथ में एक चार्ज लेते हैं। वही चार्ज जो कंबलों में भी होता है जी, वही चार्ज जो उन आसनों में भी होता है जिनको बैठकर पे हम जिस पर साधना करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हम अक्सर जो चार्ज है वो ज़मीन से बचाने के लिए आसन का इस्तेमाल होता है जी, ठंड से बचने के लिए उसी प्रकार स्वेटरों की आवश्यकता होती है। लेकिन आप माने या ना माने, वो चीज़ राहु को जन्म दे देती है। बॉडी तक पहनना उस वो बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब वो चीज़ हमारे सर पे आ जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जितने भी बाल होते हैं या जितनी भी ऊन होती है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है जी। बुध को रिप्रेजेंटेशन जितना भी होता है वो अपने साथ में राहु को कर्व करके चलता है हमेशा। बुध का सबसे अच्छा मित्र राहु है। कारण ज्योतिष में भाव नंबर छठा कारक स्थान माना गया है राहु के लिए जी, और कारक स्थान माना गया बुध के लिए भी। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है किसी भी प्रकार से उसने जन्म लिया है, चाहे वो आकाशीय बिजली है, चाहे वो हमारे घरों में दौड़ रही बिजली की तार है, चाहे वो हमारी जो बॉडी से उत्पन्न हुई हुई बिजली है, एक चार्ज जो है उसको रिप्रेजेंट राहु करता है जी। तो उसको सर पे पहनना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सर पर हम एक चार्ज ले आते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कान ढक कर रखते हैं जी, या अपना सर ढक के रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाते हैं, आलस्य के साथ पीड़ित हो जाते हैं। उसका कारण होता है राहु का काम है किसी भी चीज को रोक देना, सीज कर देना जी। राहु हमारे शरीर की बिजली को खींच लेता है, और शरीर की बिजली जो हमारे अंदर एक बिजली है जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं, हमारी बॉडी में एक एनर्जी है जी। उस एनर्जी को अगर हम सोख लें तो हमारे अंदर से जो पावर है, जो स्किल है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, वो उसमें थोड़ी सी हीनता आ जाती है। अच्छा पंडित जी, अभी आपने बताया कि जैसे राहु को हम सिर पर पहनते हैं, तो कैसे हमारा जो ग्रह है राहु, ये खराब होता है या मजबूत होता है कुछ? बिल्कुल, राहु तो खराब होता ही होता है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारा सूर्य कमजोर पड़ जाता है जी। हमारा जो स्कल है, ये जो पोजीशन है हमारी, ये एग्जैक्टली दो ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। एक करती है मंगल को जी, और दूसरा रिप्रेजेंट करती है सूर्य को। ये जो हमारे अंदर मस्तिष्क है जी, ये बेसिकली बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी में या किसी के भी बॉडी में जी। यहाँ पर स्कार्फ पहनना या यहाँ पर कैप लगा लेना जी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कैप में थोड़ा सा अंतर है। कैप का अगर इनर पोर्शन
अगर किसी भी प्रकार कॉटन या सूती मटेरियल से बना हुआ है जो खुद में चार्ज नहीं लेके चलता है जी, तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप जरूर पहन सकते हैं। यही मैं आपसे पूछने भी वाली थी, क्योंकि कुछ लेडीज का ऐसा हिसाब है कि वो अभी भी सिर ढक के रखती है ना, तो मैं उसी से पूछना चाहती थी कि क्या उससे भी हमारे जो ग्रह वो खराब होते। देखिये, अगर वूलन साड़ी है तो जरूर ग्रह खराब होते हैं जी, अगर वो साड़ी कॉटन की है, टेरिन की है, किसी की भी है, तो कोई ग्रह खराब नहीं होते, इनफैक्ट ग्रह अच्छे होते हैं उससे जी। सर ढकने से आपका जो बॉडी का चार्ज है वो बाहर नहीं जाता। पंडित जी, अभी आपने बताया कि इसको पहनने से हमारा ग्रह खराब होता है, लेकिन विंटर्स हैं, अब कुछ छोटे या बुजुर्ग लोग होते हैं जो इसको अवॉइड नहीं कर सकते जी, तो कौन से कलर का ऐसा स्कार्फ या कैप है जो पहनने से हमारा जो ग्रह है वो खराब ना हो जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फंडामेंटली अगर आप लाल रंग का स्कार्फ या कैप पहनते हैं जी, तो बहुत सूटेबल होता है, शुभ होता है, क्योंकि मंगल को और सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो जी। स्कार्फ के लिए मैं एक सावधानी और बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि स्कार्फ को पहनने से पहले एक अपने साथ में उसके साथ में कपड़ा और रख लें सूती, ताकि आपके बॉडी से एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो निकले ना जी। या ऐसा स्कार्फ खरीदे जिसका बैक पोर्शन जो है वो कपड़े से ढका हुआ हो, ताकि आपको डायरेक्टली वूल जो है वो हिट ना करे जी। हमने भी, आप ये भी सोच के देखिएगा कि जब हम स्वेटर पहनते हैं, अगर हाफ स्लीव्स की बाहों की शर्ट वाली पहन ले हम, हाफ स्लीव्स की शर्ट, और उसके ऊपर अगर फुल स्लीव्स का स्वेटर पहन ले, तो हमारे बाकी बॉडी अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ जहाँ पर वो डायरेक्टली वूल से टच हो रहा है जी, वो पोर्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इलेक्ट्रिसिटी को खींचने लगेगा जी। तो जो भी आप स्कार्फ पहनते हैं उसके पीछे बैक स्पेस में कपड़ा लगा हुआ हो कॉटन का, वो ज़्यादा बेटर है। कलर्स के हिसाब से तीन बहुत शुभ कलर हैं जिनको सर में पहनने से आपको जो चार्ज है वो चार्ज कम नहीं होगा। नंबर एक, रेड कलर बहुत अच्छा है, मरून कलर अच्छा है जी, वाइट, येलो, पिंक कलर बहुत अच्छा है, वाइट सबके लिए बेहतर है। कोशिश ये करें कि काले और नीले रंग के स्कार्फ्स एंड कैप्स कम पहने। तो पंडित जी, इसके लिए आप हमें स्पेशल टिप कौन सी देंगे? देखिए, सबसे बेहतर ये रहता है कि आप स्कार्फ या कैप पहनने से पहले कोशिश ये करें कि दो बूंद ऑयल के अपने बालों पर हाथ में मसाज करके बालों पर लगा ले, उससे क्या है बालों का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा जी, वो कम हो जाएगा चार्ज होना, और इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी, बाल कम गिरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी से हम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी और Facebook पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।